के साथ आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं, इतना नसीब खराब है कि रशियन भी नहीं मिल रही है यार। क्या बोलूं अब मैं, मजा की हो रहा है जिंदगी में मेरे साथ अभी, पता है। कब तक मैं ऐसे कपड़े देखता रहूंगा, वो दिन कब आएगा जब मैं किसी को ऐसा गिफ्ट कर पाऊंगा, पागल। Hey guys, welcome back to the vlog. आज है second day in Goa और आज की itinerary बहुत fix है। कल रात को बहुत मजा आया कसीनो में, आपको बताया था मैं कसीनो जाने वाला हूँ और आज हम जाने वाले एक बहुत फेमस जगह पे, मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था, वहाँ पे मेरी खास करके मेरी फेवरेट शूटिंग हुई थी मूवी की और वो सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ और दो जगह पे जाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून, मैं पूरा बताने नहीं वाला हूँ कहाँ पे जा रहा हूँ मैं, अब भी आपको पूरा व्लॉग देखो तो आपको पता चलेगा मैं कहाँ पे और कैसे जाने वाला हूँ। सो लेट्स गो। तो आज का प्लान बहुत सिंपल था, हम जा रहे थे नॉर्थ गोवा, क्योंकि नॉर्थ गोवा में मुझे कुछ ऐसे प्लेस मिले थे जो किसी ने देखे नहीं थे। तो बस राइड चालू हुई पंजिम से लेके वेगेटर तक। फाइनली हम लोग आ गए पारा रोड पे। ये बहुत सारे मूवी शूटिंग्स में ये मेरा वो डेस्टिनेशन नहीं है जो मैंने बोला था, वो डेस्टिनेशन इसके आगे है, बट मैं आपको पारा रोड का एक अलग व्यू दिखाता हूँ। चलो पारा रोड से जो डेस्टिनेशन पे मुझे जाना था वहाँ पे बस 10 किलोमीटर की दूरी थी जहाँ पे मेरी फेवरेट मूवी की शूटिंग हुई थी। चलो मैं आपको लेके जाता हूँ चापोरा फोर्ट। चापोरा फोर्ट गोवा का सबसे ज़्यादा अंडररेटेड फोर्ट है। यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स हैं बट ये फोर्ट बहुत ब्यूटीफुल है। चापोरा फोर्ट जितना इजी लगता है क्लाइम करने के लिए उतना ही डिफ़िकल्ट है, सो प्रिपेयर रहना और पानी की बोतल ज़रूर कैरी करना। यार मेरी हालत तो पूरी बेहाल हो गई यार। ओ भाई, मेरे को लगा नहीं था इतना क्लाइम है पर बहुत ऊपर है, बट मुझे ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे वो शूट हुआ था सॉन्ग का, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कौन से सॉन्ग का यहाँ पे शूट हुआ था। बीच भी बहुत नज़दीक है, अगर मन हुआ तो मैं चले जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और मेरी कैपेसिटी नहीं है वापस वहाँ पे धूप में जाने की। सो लेट्स सी, अकेला आऊँगा तो कोई तो मिलेगा, या फिर तो पूरा का पूरा उल्टा हो रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा है, बहुत अकेला अकेला लग रहा है। इतना मजाक के मूड में आ गया हूँ ना अभी, क्या पूछो मत, मजाक ही हो रहा है ज़िंदगी में मेरे साथ अभी, पता है। अभी वहाँ पे था मैं और वहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया हूँ बीच पे, वन ऑफ द बेस्ट बीचेस, क्योंकि कोई नहीं है, पूरा खाली है और ऐसे नहीं कि ये टाइमिंग गलत है बट बहुत ज़्यादा खाली है, इसलिए मैं थोड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। पर यार मेरे को एकदम बहुत अजीब सा फीलिंग कर रहा है, ये टाइम मैं अकेला आया हूँ और यहाँ पे जिसको देखो कपल्स के साथ आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं, इतना नसीब खराब है कि रशियन भी नहीं मिल रही है यार। क्या बोलूँ अब मैं। वेगेटर बीच को लग के ही एक फ्ली मार्केट है जो सारे के सारे फॉरेनर्स चलाते हैं,
चलो मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। कब तक मैं ऐसे कपड़े देखता रहूँगा? वो दिन कब आएगा जब मैं किसी को ऐसा गिफ्ट कर पाऊँगा? पागल हो चुका हूँ गई मैं पागल हो चुका हूँ। सारे डेस्टिनेशन कवर करने के बाद मैं चला वापस घर। घर मतलब मेरा होटल। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था और बहुत ज़्यादा धूप थी। बस घर पहुँचते ही कब मैं सो गया मुझे खुद को नहीं पता। दो घंटे का मस्त नैप लेने के बाद और सारी एनर्जी वापस आ गई थी तो डिसाइड किया चलो आज पार्टी करते हैं, क्योंकि गोवा में मेरा लास्ट दिन था। तो बस अपनी स्कूटी ले ली और निकल गया टीटो लेन की तरफ। I'm
से तो निकल गया, अभी और एक डेस्टिनेशन पे जाना है। मैं लेट सोया था कल बहुत ज़्यादा और आज मैं 7 बजे उठा हूँ, मतलब मेरे को सिर्फ 3 घंटे की नींद मिली है और मेरे को इफेक्ट हो रहा है अभी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ से कहाँ पे जाने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ पंजिन बस स्टॉप, तो लेट्स गो। रूम मतलब जो होटल में मैं रुका था वहां से पंजिन बस स्टॉप बस 5 मिनट पे, मैं आपको दिखाता हूँ चल के जा रहा हूँ। सो लेट्स गो। मैं पहुंच भी गया बस स्टॉप। चलो ये बस ढूंढनी है मुझे, लेट्स सी बस मिलती है या नहीं। बोला जाता है ये जो आइलैंड पे मैं खड़ा हूँ, जब शिवाजी महाराज यहाँ पे आए थे सिंधुदुर्ग में, तो वो यही रास्ता लिया करते थे क्योंकि ये बहुत सफिशिएंट रास्ता है और सी के बीच में तो बहुत लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे कैसे आना है, पर उन्होंने